Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव का एक और पुत्र था? बता दें कि वामन पुराण के अनुसार भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम अंधक था। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह से अंधक का जन्म हुआ और क्या है पूरी कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी नगरी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व की दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा सा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में फिर से रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत ही बड़ा था और काफी भयंकर भी। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तो भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय के बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला और बढ़ा, फिर आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान करने पर शिव वहां पर उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। बता दे कि वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि की ओर रिपीट जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.